Hey students, I Swati, your assistant teacher. Welcome you to history class. In the first video, we studied about history, importance of history, and geographical framework. In this video, we will study about major sources of knowing the past. Okay. First, we have literary sources, records and evidence of our past that are available in written form are known as literary sources. Okay. Literary sources are partly divided into two. First is religious literature. It includes the Vedas, the Brahma Shastra, the Purans, and the epic of Ramayana and Mahabharata. It also provides information regarding certain dynasties. Next, secular literature. A literature that is not religious is known as secular literature. Okay. रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है, जो धार्मिक चीज़ों से जुड़े होते हैं. ठीक है, जैसे महाभारत, रामायण, वेद, ये सब क्या है, धार्मिक पुस्तकें हैं, बुक हैं. ठीक है, लेकिन सेकुलर लिटरेचर क्या होता है, जो कि रिलीजियस, धर्म से कोई भी रिलेशन उसका नहीं होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. द मुद्रा राक्षस और विशाखदत्त गिव्स द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य. ओके, क्रोनोलॉजिकल. द एशियन रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन फॉइंट आर्टिफैक्ट्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, फॉइंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं पास्ट के, हमारे जो भी मिलते हैं पास्ट में, वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, आर्कियोलॉजी होती हैं. ओके स्टूडेंट, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड एन आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, नेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस. ओके, दोज रिटेन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन पिलर्स, रॉक्स, केव वॉल्स, वॉल ऑफ फोर्ट एंड कॉपर प्लेट्स आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस. ओके, जितने भी रिटेन रिकॉर्ड्स हमें इंग्रेव्ड करके जो पिलर्स पे, रॉक्स पे, केव वॉल्स पे लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉइंस. Coins are a useful source of history. They give us information about the use of a metal during that period and the economic condition of the people. Okay, coins हमें क्या information देते हैं, कौन से period में कौन से metal use होते थे. ठीक है, और किस period की economic conditions लोगों की कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमें coins से पता चलता है. ठीक, next we have monuments. Monuments tell us about the period in which they built and by which king. Okay, monuments क्या है, किस period में से बनाया गया है, किस राजा के द्वारा बनाया गया है, ये सब हमें किसके थ्रू पता चलता है, monuments से. They also provide us the information of social and religious life. Okay, next we have travelers' account. The literature of the Greeks, Chinese, Persian, Romans and Europeans gives an account of the condition of India. ओके, देयर आर सो मेनी ट्रेवलर्स अकाउंट क्या होते हैं, जो भी ट्रैवल करने आते थे इंडिया में, जो भी फॉरेनर, वो सारी चीज़ों को क्या देखते थे, भारत की जो कंडीशन होती थी इंडिया की, वो सारी चीज़ों को देखते थे और अपने अकाउंट में उनको एकदम ट्रुथ थे, एकदम सही सही अपने अकाउंट में वो लिखते थे, अकाउंट में अपनी बुक्स वगैरह में. ओके, यहाँ पर ट्रेवलर्स अकाउंट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक इंडिका रिटेन बाई मेगस्थनीज, संस्कृत हिंद रिटेन बाय अल्बरोनी एंड आई ने अकबरी रिटेन बाय अबुल फजल. ओके, नेक्स्ट वी हैव आर्टिफैक्ट्स. अ क्रिएशन ऑफ आर्ट विच आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन स्किल आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स. इट हेल्प्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट थॉट ऑफ द कल्चर एंड आर्टिस्टिक लाइफ ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ आर पास्ट. So, the history that we read in the result of lifelong research by many scholars and historians. जो भी हिस्ट्री हम अपने अभी पढ़ रहे हैं, तो वो किस चीज़ का रिजल्ट है, बहुत सारे लॉन्ग रिसर्च का. ठीक है, मैनी स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने जितने भी रिसर्च किए हैं, बहुत लंबे टाइम तक उसके बाद हमें ये रिजल्ट उसका मिलता है. ओके स्टूडेंट, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. थैंक यू एवरीवन.